खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। कार्यकाल 4 दिन भी नहीं चला, फडणवीस ने अजित पवार के भरोसे पर आनन फानन केंद्र से राष्ट्रपति शासन हटवाकर शनिवार सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अजित को उप मुख्यमंत्री बनाया था। गुपचुप सरकार बनाने के बाद महज 3 दिन में अजित पवार को एहसास हो गया कि सत्ता की चाबी अभी भी शरद पवार के पास है। मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर फैसला सुनाया और दोपहर आते आते अजित पवार ने गुपचुप इस्तीफा दे दिया। घंटे भर बाद ही फडणवीस ने भी इस्तीफा का ऐलान कर दिया। इस तरह लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत के बाद भाजपा के हाथ से पहला बड़ा राज्य निकलता दिखा। श्री अजित दादा पवार, इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजित दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं।